परिणीता और मर्दानी जैसी सक्सेसफुल और दमदार फिल्में बनाने के लिए मशहूर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और दिग्गज फिल्मकार प्रदीप सरकार का लंबी बीमारी के बाद 24 मार्च यानी कि शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। करीब 68 साल में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने वाले प्रदीप सरकार अपनी फिल्मों से लाखों लोगों के दिलों में घर कर गए। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 4 बजे सांताक्रूज शमशान घाट में किया जाएगा। दरअसल उन्हें 23 मार्च देर रात किडनी संबंधित बीमारियों के लिए मुंबई स्थित एक हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये तो हम सब जानते हैं कि फिल्मकार होने के साथ ही साथ वो एक जाने माने एड फिल्म मेकर भी थे, जिसके लिए उन्होंने कई बड़े पुरस्कार भी हासिल किए थे। प्रदीप सरकार ने साल 2005 में रिलीज हुई परिणीता फिल्म के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें विद्या बालन, संजय दत्त और सैफ अली खान जैसे बड़े सितारे थे। बाद में उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ लगा चुनरी में दाग, मर्दानी के अलावा लफंगी परिंदे जैसी बेहतरीन फिल्में भी बनाई और कुछ वेब सीरीज का भी निर्देशन किया। साथ ही इन दिनों दिवंगत अभिनेत्री प्रिया राजवंश की बायोपिक बनाने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिल्म पूरी नहीं हो सकी। साथ ही उनके निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर भी दौड़ाई। एक्टर मनोज वाजपेयी से लेकर कई एक्टर्स और एक्ट्रेस ने उनके निधन पर सोशल मीडिया पर संवेदना जाहिर की, जिसके चलते पूरी दुनिया उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रही है।